31 मई निर्जला एकादशी का पवित्र दिन, स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त, कुछ अद्भुत योग भी इस दिन बन रहे हैं। स्वयं पूरे दिन जल न पीकर अन्य लोगों को जल पिलाने से बढ़िया पुण्य कोई भी नहीं है, और ये दिन इसीलिए ने बना है। निर्जला एकादशी पर अपनी राशि अनुसार ये उपाय करके आप पुण्य लाभ तो कमा ही सकते हैं, प्लस आपके जीवन में पैसा ही पैसा आएगा, आपकी गरीबी तुरंत मिट जाएगी। क्योंकि निर्जला एकादशी का ये जो मुहूर्त है, स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है, यानी कोई भी काम इस दिन आप करते हैं आपका सफल होगा काम, और आपको पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा ये मुहूर्त। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री, ऐसे ही वीडियो लाती हूँ जो आपको फ़ायदा पहुँचाए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। आइए आपकी राशि अनुसार बताते हैं कि आपको कौन से कलर का शरबत पिलाना है। ये शरबत इतना पावरफुल हो जाएगा, इसको पिलाने मात्र से ही आपका कायाकल्प हो जाएगा, आपका धन वैभव दुनिया में छलकेगा, आपकी गिनती अमीरों में होने लग जाएगी, ऐसी स्थिति होगी। क्योंकि निर्जला एकादशी पर स्वयं जल का सेवन नहीं करके दूसरों को शरबत पिलाना जल के रूप में, इससे बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। तो इस बार 31 मई को ये फेस्टिवल पड़ रहा है। ये है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो पड़ रही है 31 मई को, और आपको लाभान्वित करने की ठान रखी है हमने। इस दिन का महत्व इसलिए ज़्यादा है कि इस दिन भगवान नारायण की पूजा होती है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये है कि अगर आप अपनी राशि अनुसार शरबत पिलाते हैं, क्योंकि हर राशि का कोई ना कोई कलर होता है, और कोई ऐसा कलर भी होता है जो उनकी शत्रु राशि का है, उनके लिए अशुभ होता है, और उसी कलर का शरबत आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि अशुभ ग्रहों की शांति की जाती है और शुभ ग्रहों को आमंत्रित किया जाता है। तो आपकी राशि अनुसार क्या ग्रह आपको प्रतिकूल फल देता है, उसके अनुसार ही आपको शरबत पिलाना है, उस कलर का ही शरबत आपको पिलाना है। तो मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वालों के लिए शुभ कलर लाल होता है, उनको लाल रंग का शरबत भूलकर भी नहीं पिलाना चाहिए। हरे रंग का शरबत पिलाने से उनकी ज़िंदगी के रोग रिपु ऋण समाप्त हो जाते हैं, प्लस उनके जीवन में पैसा ही पैसा आता है। वृषभ राशि को येलो कलर का शरबत डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को लाल रंग का शरबत पिलाना चाहिए। कर्क राशि वालों को ब्राउन कलर का या काला शरबत पिलाना चाहिए। काला रंग का शरबत अवेलेबल नहीं हो तो आप हरे रंग का शरबत भी पिला सकते हैं। सिंह लग्न वालों को काले रंग का शरबत पिलाना चाहिए। आप चाहें तो कोल्ड ड्रिंक भी पिला सकते हैं जो ब्लैकिश कलर की आती है, तो आपको फ़ायदा होगा। कन्या राशि वालों को लाल रंग का शरबत पिलाना चाहिए। तुला राशि वालों को पीले रंग का शरबत पिलाना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को हरे रंग का शरबत पिलाना चाहिए। धनु राशि वालों को काले रंग का शरबत या कोई कोल्ड ड्रिंक जो काले रंग का हो वो पिलाना चाहिए। अगर आप कोल्ड ड्रिंक अफोर्ड नहीं कर सकते तो 11 गिलास तैयार कर लीजिए या 4 गिलास तैयार कर लीजिए और गरीबों में वितरित कर दीजिए। इतना करने मात्र से ही आपको पुण्य प्रभाव मिलता चला जाएगा। मकर राशि वालों को पीले रंग का शरबत गरीबों को पिलाना चाहिए। कुंभ राशि वालों को भी पीला रंग का शरबत गरीबों में पिलाना चाहिए। मीन राशि वालों को ऑरेंज कलर का शरबत या ऑरेंज कलर का कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहिए, इससे उनका कायाकल्प हो जाएगा और धन का आगमन उनके जीवन में होगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, और इस व्रत में पानी पीना पूर्णतः वर्जित होता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। वर्ष की 24 एकादशियों में ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी सर्वोत्तम मानी जाती है। इस एक व्रत को करने मात्र से ही आपको सभी एकादशियों का व्रत का फल मिल जाता है, ये इतना पवित्र है। इस दिन आपको पानी से भरा घड़ा मंदिर में दान करना चाहिए, आपको पुण्य मिलता है। इस दिन हाथ से झलने का पंखा भी आप
दान कर सकते हैं। इस दिन प्याऊ लगाना बहुत शुभ माना जाता है। जो मनुष्य प्याऊ आदि में सेवा देता है अपनी, वो जन्म जन्म की गरीबी से मिट जाता है और उसके जीवन में इतना पुण्य आता है कि इसकी कोई हद ही नहीं है। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा वर्णित है, आपने पढ़ी ही होगी या सुनी ही होगी। ये भीम की व्रक नामक अग्नि पर केंद्रित है, आपको पता ही होगा इसकी कथा के बारे में। इस दिन निर्जला व्रत रखने का विधान है और निर्जल व्रत करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर विनती करनी चाहिए और ये बात बोलनी चाहिए कि मैं आज निर्जल व्रत करता हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें, और शक्ति के अनुसार अन्न जल वस्त्र का दान योग्य ब्राह्मणों को देना चाहिए। इससे अक्षय गुना फल आपको मिलता है, धन भी आप दान में दे सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। ये व्रत इतना पुण्य फलदायी है कि जो ब्रह्म हत्यारे हों या मद्यपान करता हों, चोरी करने वाले हों, गुरु द्वेषी हों या असत्य भाषण करते हों, उनको भी इस व्रत का शुभ फल मिलता है और वो स्वर्ग लोक को गमन करते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान फल पाते हैं। इस दिन भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और चरणामृत और प्रसाद अवश्य ही सेवन करना चाहिए, आपको लाभ होगा। इस दिन का व्रत नर नारी दोनों ही कर सकते हैं। जलपान के निषिद्ध होने पर भी फलाहार के साथ दूध लिया जा सकता है और निर्जल रहकर व्रत करते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन पूरे दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। इस दिन गोदान, वस्त्रदान, छत्रदान, फलदान का विशेष महत्व है। इस दिन अनेक व्यक्ति मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं और हमने आपको आज के वीडियो में बताया कि अपनी राशि अनुसार कौन सा शरबत आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अधिक मात्रा में ना कर सकें तो 11 गिलास तैयार करें, उस रंग के जिस रंग का हमने चयन करना आपको बताया है, तो आपको पूर्ण फल मिलेगा और आपके नवग्रहों की शांति होगी। जो दुष्ट ग्रह हैं आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे और शुभ फल आपको देंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा?